अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मेरे से क्लास 7 की यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.4 पार्ट 4 करेंगे इसका। ये लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, उसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। 17 20 चार क्वेश्चंस करेंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इनके 16 क्वेश्चंस का मिल जाएगा, वहाँ से उसको देख लें अच्छे तरीके से। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एस डेसिमल्स, ये रेशनल नंबर दिए गए हैं, इनको डेसिमल्स में तब्दील करना है और फिर बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। बहरहाल ये नॉन टर्मिनेटिंग देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस नॉन टर्मिनेटिंग के भी आ रहे हैं। तो ये देखें 256 एंड 171 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 ये 66 है और इसको हम डिवाइड करेंगे 171 के साथ। तो 171 की टेबल यहाँ पे वन टाइम जाएगी, 171 द 171, क्योंकि दो मरतबा फिर बढ़ जाती। तो 6 में से ये बचे 5 और एक इधर गया 16, 16 में 7 गए तो बचे यहाँ पे 9, 95 हो गया। यहाँ एक बचा, एक में से एक गया, कुछ भी नहीं बचा। तो ये हमने टेबल लगाई यहाँ पे वन टाइम, ठीक है। अब इस पर टेबल नहीं जा रही, यहाँ पॉइंट दे देंगे और यहाँ पे ज़ीरो बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 950। तो देखें ये पहला दर्द पहले दर्द को छोड़ते हैं, तो 17 की टेबल यहाँ पे 95 पे 5 टाइम जाएगी, तो 5 से मल्टीप्लाई करें, 15 द ये 5, 57 द ये 35, हासिल 3, 15 द 5 एंड 3 8, 855 हो जाएगा। यहाँ माइनस करें, एक इधर गया 10, 10 में से 5 गए, ये बचे 5 एंड इधर बचे 4, एक इधर गया 14, 14 में से 5 गए, तो ये बचेंगे 9 और फिर यहाँ पे ज़ीरो बढ़ा देंगे, फिर 950 हो जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा तो ये 855 और फिर लगाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 95, फिर 95 बचेगा, फिर 0, यानी तरतीब ये 5 5 की चलती हुई जाएगी। तो ये क्या है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये क्या है कि रिकरिंग है, क्योंकि 5 अदद बार बार आ रहा है, तो ये एक रिकरिंग है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। तो ये सेकंड नंबर देखें, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 102 है, क्योंकि ये माइनस है, तो ये इसका मतलब है ये माइनस की रकम है, और इसको करेंगे 210 से। तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, क्योंकि आंसर माइनस में आना चाहिए। 210 की टेबल यहाँ पे ज़ीरो टाइम जाएगी, तो ये 0 0 0 हो जाएगा, फिर ये 102 दोबारा बनेगा, ठीक है। अब हम माइनस वगैरह नहीं लगाएंगे, क्योंकि माइनस एक मतलब आ गई। अब 102 पे 210 की टेबल नहीं जा रही, इधर पॉइंट लगा देंगे, इधर ज़ीरो हो जाएगा। तो 210 की टेबल 1020 पे 4 टाइम जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई करें 0 एंड 421 द 84 हो जाएगा, ये हो जाएगा 840, ये 0 का 0, एक इस तरफ 12, 12 में से 4 गए हो गया 8, इधर बचे 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे फिर 0 बढ़ा देंगे, तो अब टेबल जाएगी ये 8 टाइम जाएगी, ये 0 का 0, 18 द 8 एंड 28 द ये हो जाएगा 16, फिर 18 में से 1680 चलेंगे तो ये हो गया 120, फिर ये ज़ीरो बढ़ा देंगे तो ये हो गया 1200, तो 1200 पे टेबल ये देखें, अगर 6 मरतबा लगाएं तो ये बढ़ जाएगा 6 टू द 1200 पूरा, लेकिन 10 में से करेंगे तो ये 60 और बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है ये टेबल लगेगी यहाँ पे 5 टाइम्स। तो ये 0 का 0 एंड 515 द 5 एंड 5 टू द 10, ये हो जाएगा 1050, तो बचे बाकी 150। तो ये इसी तरह चलता जाएगा, यानी ये 5 5 की टेबल तो नहीं लगेगी, मुख्तलिफ टेबल्स लगेंगी। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिकरिंग नहीं है। ये रिकरिंग नहीं है, तो ये भी हमने कर लिया। तो ये करते हैं इसका सॉल्यूशन, ये 111, 228, ये ज़ीरो मरतबा टेबल लगाएंगे, 0 0 0 हो जाएगा, दोबारा ये 111 होगा, नहीं जा रहा, इधर पॉइंट लगा देंगे, इधर 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए टेबल कितनी मरतबा जाएगी, ये पहला आदद छोड़ दें
और दूसरा आदत तो ये 5 से लगाएंगे तो बढ़ जाएगी, तो 4 मरतबा लगाएंगे। 4 8 32 हासिल 3, 4 2 8 एंड 3 11 हासिल 1, 4 2 8 एंड 1 9 912। तो यहाँ जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो इससे छोटा होना चाहिए। तो ये एक इस तरह हो गया 10 में से 2 हो गया, ये हो गया 8, और इधर बचा 0, एक इधर 10, 10 में से गया 9, और इधर बचे 10, 10 में से 9 गया, तो बाकी बचा 1। ये देखें बिल्कुल इससे छोटा आ गया, तो ये 0 बढ़ा देंगे। अब टेबल जाएगी यहाँ पे, ये दो अदद निकाल दें तो 2 की टेबल यहाँ पे, अगर 9 मरतबा लगाएंगे तो ये टेबल बढ़ रही है, मैंने लगा के देखिए तो ये 8 मरतबा लगेगी टेबल, ठीक है। तो 8 8 द 64 हासिल 6, 8 2 द 16 एंड 6 24 हासिल 2, 8 2 द 16 एंड 2 18। ये 8 8 द 64 हासिल 6, 8 2 द 16 एंड 6 22 हासिल 2, 8 2 द 16 एंड 2 18, बिल्कुल सही है। तो ये माइनस करें, एक इधर 10, 10 में से 4 गए बचे 6, इधर बचे 7 में से 5 गए 2 गए, तो ये बचा 5, और यहाँ 19 में से 18 गया तो 1, ये देखें कम है इसमें, तो फिर 0 बढ़ा दें। और अब जो टेबल जाएगी वो जाएगी 6 टाइम्स, 3 मरतबा करके देखें, 6 8 द 48 हासिल 4, 6 2 द 16 एंड 4 20 हासिल 2, एंड 6 2 द 12 एंड 2 14। तो एक इधर 10, 8 के 2, इधर बचे 5 और इधर बचा 1। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इस पे आ जाए, सॉल्यूशन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है 272, और हम करेंगे यहाँ पे 288 के साथ इसको डिवाइड। तो ये देखें पहले इस पे 0 की टेबल लगाएंगे, क्योंकि शुरू में टेबल लगाई जाती है, तो ये लगा देंगे 0, क्योंकि नहीं लग रही है, छोटा आदद है, तो 272 के 272 रहेंगे। अब नहीं जा रही तो इधर पॉइंट लगा देंगे, इधर हम 0 बढ़ा देंगे। तो अब जो टेबल जाएगी वो इस पे जाएगी, ये दो अदद निकाल दें तो 2 की टेबल जो है वो 27 पे, तो ज़्यादा मतलब जाएगी, लेकिन 9 से ज़्यादा हम लगा नहीं सकते। तो 9 8 द 72 हासिल 7, 9 8 द 72 एंड 7 79 हासिल 7, 9 2 द 18 एंड 7 25। देखिए ये नज़दीक तरीन ये लग गई, माइनस कर देंगे, एक इधर 10 में से 2 गए 8, इधर 11, एक बचा एक की तरफ 11, 11 में से 9 गए 2 बचे, इधर बचे 6, 6 में से 5 गया तो 1। तो अब ये 0 बढ़ा देंगे, तो देखें दो अदद निकाल दें तो 2 की टेबल मैंने करके देखा है, तो ये 4 टाइम जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, 5 बढ़ता, फिर ये टेबल बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 5 8 द 40 4 बच जाते हैं, 5 2 द 10 एंड 4 14 बढ़ जाता है इसमें से, तो 4 की टेबल जाएगी। ये जाएगा 32 हासिल 3, 4 8 द 32 एंड 3 35 हासिल 3, 4 8 द 4 2 द 8 8 एंड 3 11। तो यहाँ पे एक इस तरफ गया 10 में से, ये बचे 8, यहाँ पे बचे ये 7, 7 में से 5 गया इधर हो गया 2, और 12 में से 11 चला गया तो ये 1, और 128 देखिए, 128 दोबारा आ रहा है तो फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर वही 4 की टेबल जाएगी, और ये हो जाएगा 1152, फिर ये 128 बचेगा, फिर ये 0 बढ़ाते जाएंगे, इसका मतलब है कि ये 4 4 चलता हुआ जाएगा। तो ये एक रिकरिंग है, क्योंकि 4 बार बार आ रहा है। तो इसके साथ ये पार्ट भी ख़त्म हो गया, ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।